गिरा और बाबर आप सबको सलाम और खुदावन आपकियों में अपना प्यार और आपकियों में बनाता रहे, देता रहे और आप पर जाहिर करता रहे। आमीन। खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन आप सबकी जिंदगियों में जो बड़े और अजीम काम करता है, रंजीत राहुल हैं भाई हमारे साथ, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हम जब खुदावंद के हजूर जाते हैं तो खुदावंद हर रोज हमें एक नई चीज सिखाता है, और वो इसलिए नहीं सिखाता खुदावंद से दूर होते जाएं, वो इसलिए सिखाता है कि हम खुदावंद के और नजदीक हो जाएं, ना कि कोई ऐसी गलती कर दें जिससे खुदा हमें पसंद ना करे। मेरे अजीजो, जब हम खुदावंद के हजूर झुकते हैं, उसकी दूरी को महसूस करते हैं, तो खुदावंद हमेशा हमेशा अपना फजल हमारे साथ बनाए रखता है। मेरे हम लोग बहुत बड़े बोल जाते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी जायदाद है। भाई इमरान परदेसी हमारे साथ हैं, मेरे खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। हम बहुत बहुत बड़े बड़े अल्फाज बोल देते हैं कि आज मैंने इतना कमाया है, इतना कोई कमा सकता है? या हम लोग कई बार कहते हैं मेरे को इन्ने इन्ने घर ने, तेरे को है ने, मतलब कि घमंड होता है, अपने अंदर एक अकड़ पैदा रखते हैं। तो मेरे अजीज, आपकी जिंदगी में बरकत, फजल, रहमत हमेशा बनी रहेगी, लेकिन आपको भी खुदावंद की बातों पर अमल करना पड़ेगा। अपने अंदर से आपको घमंड खत्म करना पड़ेगा। जी जरूर, हम आपके लिए दुआ करेंगे ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत देगा और खुदावंद आपकी जिंदगी को भरपूर करेगा अपने नाम में। जब हम लोग किसी के साथ घमंड दिखाते हैं, अपने रुपए पैसे का, अपनी खूबसूरती का, अपने चाल चलन का, अच्छे कपड़े का, अपनी दौलत का, अपनी दो दो तीन तीन घरों का, अपनी गाड़ी का, बाइक का, जिस गरीब के घर में एक टीवी नहीं उसको हम अपनी एलसीडियों का घमंड दिखाते हैं, तो मेरे अजीजों खुदावंद इन चीजों को पसंद नहीं करता। और कुछ लोग तो इस हद तक गिर जाते हैं, इस हद तक गिर जाते हैं कि अगर किसी बहन भाई के घर पे औलाद ना ना हो तो वो जिस भाई के घर में औलाद होती है वो दूसरे भाई को, ज्यादातर ये औरतों में होता है कि औरतें एक दूसरे को औलाद का तान मार देती हैं। मेरे अजीजो, खुदावंद जो बरकत देता है वो ले भी सकता है। जो रुपया पैसा आज आपके पास है, जिसका आप घमंड करते हो, वो खुदावंद लेकर उसको दे सकता है जिसको आपने कभी बेइज्जत किया हो। मेरे अजीजो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं यहां पर एक बात शेयर करना चाहूंगा। खुदावंद के फजल के साथ मेरे डैडी तकरीबन 5 मुल्क घूमे हुए हैं, लेकिन और हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी भी थी, है नहीं बल्कि थी। एक वक्त ऐसा आया कि हमारा सब कुछ बिक गया, एक ही झटके में 4-5 प्लॉट बिक गए, सारा घर बार बिक गया, सामान बिक गया। तो मेरे जीजो, आज मैं सोचता हूं अपने बाप को, मैं कहता हूं ना जाने कौन सा हमने गलत अल्फाज इस्तेमाल किया जो खुदावंद को ना पसंद था।
ना जाने कौन से लफ्ज हमने इस्तेमाल किए कि खुदा को हम पसंद नहीं आए और हमारे पास से सब कुछ चला गया। मेरे अजीजो, हमेशा खुदावंद के नाम के आगे जो उसकी हम्दो सना है वो लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसके नाम को इस्तेमाल करके घमंड करना ये गलत बात है। कुछ लोग ये कहते हैं, खुदा का शुक्र है मेरे को बड़ा कुछ है, मैं बहुत कुछ है मेरे पास, मैं मेरे पास तो खुदा का दिया सारा कुछ है। लेकिन अगर उसी शख्स को कहा जाए कि किसी गरीब के लिए 100 रुपए की मदद कर दो, तो मेरे अजीजो वो उसी वक्त उसकी जेब में 1000 रुपया भी होगा ना, तो वो फौरी उसके मुंह पे बोल देगा मेरे को पैसा ही नहीं है, मैं तो गरीब इंसान हूं। जबकि वही शख्स 10 लोगों में खड़ा होकर लोगों को कहता है मेरे पास तो बहुत पैसा है। घमंड। एक वक्त था कि मुझे एक हिंदू फैमिली ने कॉल किया और उसने मुझसे कहा कि मुझे हमें कुछ पैसों की जरूरत है। आप सबके साथ मैं अपना एक लिंक शेयर करता होता हूँ, ये मेरा चैनल है। मैंने उनके लिए डोर टू डोर, शॉप टू शॉप बैगिंग की, कुछ पैसे मैंने खुद कलेक्ट किए। पर मैं एक शॉप पे गया, मुझे आज भी वो शख्स याद है। मैंने उससे कहा कि भाई एक फैमिली की मदद करते हैं, खुदावंद के दिए में से जो आपको तौफीक है आप वो दें। उस शख्स ने मुझे 15 से 20 मिनट खड़ा किया और लास्ट में मुझे अपने गले में से 1 रुपया सिक्का उसने मुझे दिया और कहा मुन्नू ते खुदा ने एहो ही दिता है। मेरे जीजो, मैं उसके बारे में कुछ गलत ना बोला, बल्कि मैंने उसको कहा भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये 1 रुपया भी दिया, मैं चला गया। लेकिन खुदावंद को ये चीजें नहीं पसंद जो घमंड करते हैं। और आज वहां पर वो शॉप नहीं है, आज वो लड़का अपने कारोबार से हटकर किसी फैक्ट्री में जॉब करता है। खुदावंद इन चीजों को पसंद नहीं करता, हमेशा अपने अल्फाजों को सोच समझ के बोले। और आज का जो कलाम है वो आपके साथ इसी बात पे है कि खुद में घमंड नहीं रखना। हम सब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे, जबूर 5 उसकी 5 आयत। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे जबूर 5 और उसकी 5 आयत। घमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे, तुझे सब बद किरदारों से नफरत है। पाक कलाम का बड़ा और हम सबके लिए बात से खुदावंद का शुक्र हो। वही बात जो इतनी मैंने आपके साथ 7 मिनट आपके साथ जो गुफ्तगू की, वही आज जबूर में हम पढ़ते हैं, जबूर 5 उसकी 5 आयत। घमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। बाइबल मुकद्दस में फकीर फरीसी की मिसाल है। एक कहता है कि मैं तेरे हजूर रोजे रखता हूं, दया किया देता हूं, सखावत करता हूं, माँ बाप की इज्जत करता हूं, और वो इस अकड़ में होता है। और एक तरफ एक शख्स जो मसूल लेने वाला है वो सर झुकाता है, एक तरफ सर उठा के वो कहता है अरे खुदा मैंने तेरे लिए सब कुछ किया जो तुझे चाहिए था। दूसरी तरफ एक शख्स अपना सर झुकाता है, छाती पीटता है और कहता है खुदा बाप मैं तेरा गुनहगार हूं, मुझे मुआफ कर, मैंने गलती की, मुझे मुआफ कर। तो मेरे अजीजो, तब वहां पर खड़े सब लोग देख रहे थे। खुदा ने कहा कि जिस शख्स ने रोजे रखे, मां बाप की इज्जत की, दया किया दी, इससे ज्यादा रास्तबाज ये शख्स है जिसने मुआफी मांगी और अपने आप को खाकसार जाना और अपने आप को नीचा जाना, जिसने अपनी गलती को तस्लीम किया। मेरे अजीजों, अपनी गलती को तस्लीम करना भी बहुत बड़ी बात है। हम लोगों में घमंड इतना है कि हम अपने किसी बहन भाई से मुआफी नहीं मांगते, अपने किसी रिश्तेदार से मुआफी नहीं मांगते अपनी ही गलती पे, बल्कि हम कहते हो यार मेरे को बहुत क्वेश्चन नहीं भी आता था, की करिए नहीं मिलता ना मिले। और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर हमें भी कोई नहीं मिलता। अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मेरी 37 एज है,
और 37 साल की उम्र में ऐसे बहुत से तजर्बात हो चुके हैं कि बहुत से घमंडियों को देखा और खुदावंद ने उन घमंडियों को नीचा किया और खुदावंद ने अपने बंदा को सरफराज किया। तुझे सब बदकारों से नफरत है, घमंड करने वाले की बदकारी उसकी हद से ज्यादा होती है, क्योंकि उसको घमंड होता है कि मैं बड़ी तोप चीज हूं, मुझसे बढ़कर कोई है नहीं। वो अपनी इस बदकारी, अपनी इस घमंड में बदकारियां करता है। मेरे पास बहुत पैसा है, जो मर्जी कुछ कर ले मेरा, मैं पैसे लगाऊंगा बच जाऊंगा। अब वो बदकारी करता है, पैसे लगाता है बच जाता है, उसमें गरूर है। लेकिन जो खुदावंद के हजूर सादक है, वो ना रुपए का सोचता है ना पैसे का सोचता है, वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरी गलती से मेरा खुदा नाराज तो नहीं होगा, कहीं मैं वो बदकार तो नहीं जिसके बारे में लिखा है सब, तुझे सब बदकारों से नफरत है, कहीं मैं वो बदकार ना बन जाऊं जिससे खुदा को नफरत है। सो मेरे अजीजो, खुदा उनके जिंदा और पाक कलाम में से हम सबकी जिंदगियों में बरकत और बरकत ही रहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाय से बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। मेरे जीजो, आज लाइट गई चली थी, लाहौर के अंदर मौसम काफ़ी ख़राब है, बादल बने हुए हैं, जिसकी वजह से मैं लेट प्रेयर कर रहा हूँ, लेकिन खुदा उनके फजल के साथ मैं अपना लेट ज़रूर हूँ, लेकिन अपना टाइमिंग खुदा के साथ जो फिक्स की है उसे मैं ज़रूर निभाता हूँ। सो आप सबके लिए दुआ करूँगा, आप सबके अंदर कभी घमंड ना आए, आप सबके अंदर कभी ऐसा ना आए जो खुदा को पसंद ना आए, आप सब हमेशा खुदावंद में भरते जाएं। ब्रदर रफाकत इटवाल हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हमेशा अपने अंदर के घमंड को, अपनी नजर को नीची रख, क्योंकि कलाम खुदा को 6 चीजों से नफरत है बल्कि 7 है जिससे उसे कराहियत है। सो मेरे अजीजो, 7वीं चीजों में, इन 7 चीजों में से एक चीज आंख भी है। इस वक्त जो हमने आज का कलाम मुकदस में से जबूर 5 उसकी 5 आयत पढ़ी, उसमें भी घमंडी इंसान के बारे में लिखा है कि खुदावंद कहता है कि मैं, कि खुदावंद के हजूर घमंडी को वो पसंद नहीं करता, और ना ही गीत में है कि घमंडियां कोल ओ नहीं जानदा, ना झूठे नाल रखदा ओ यारी। सो मेरे अजीजो, हमारे साथ हमारी बहन है यूस, गॉड ब्लेस यू सिस्टर यूस, एंड we are praying for you also, and how's your health, please tell me how's your health, we are praying to you, praying by name for you. So hum apni zindagi mein khudaon ki is apni jo ego hai, ego ko khatam kare aur khudaon ke huzur apni akad ko khatam kare taaki khuda hame pasand kare. Hum Kevin ke sath milkar dua karenge, uske baad main aap sab ke liye milkar hum jo dua karenge. आज की जितने भी मसाले दी गई है खुदा खुदा, लोगों की तकदीरों में छप जाए खुदा खुदा, खुदा खुदा लोगों को घमंड ना दिखाए खुदा खुदा, उनकी मदद करें खुदा खुदा, खुदा खुदा अपने अपने बंदा को ब्लास्ट कर खुदा खुदा, इसे और ब्लास्ट कर खुदा खुदा, इसके पास जितनी भी जरूरत है खुदा खुदा सुनी और कबूल की जाए खुदा खुदा, खुदा खुदा इस बीमारी से लोग डर रहे हैं खुदा खुदा, उन्हें ब्लास्ट कर खुदा खुदा, खुदा खुदा ये जितने भी आजकल के लोग खुदा खुदा लोगों को बहुत घमंड दिखा रहे हैं खुदा खुदा, उन्हें 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 उनको उनके अंदर अपना रूह ब्लास्ट कर खुदा खुदा, खुदा खुदा अपना बंदा बंदा इस्तेमाल कर रहा है खुदा खुदा, खुदा खुदा छोटा सा टाइम तरह बंदा इन्हें देता है खुदा खुदा, ये लोग किधर टाइम देते हैं खुदा खुदा, आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू, खुदा खुदा आप सबको बरकत दे। आए जिंदा आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा, तेरे बातों को जानते हैं, तेरे कलाम के वसीला हमारी जिंदगियां बदलती हैं। आए जिंदा आसमानी बाप, हर एक रूह को बदल दे, इनके दिलों में से, दिमागों में से घमंड जैसी लानती चीज को निकाल दे, जो अपने हुनर रिकमेंड करता है।
उसके जहन से इस घमंड को निकाल दे। जो अपने रुपए पैसे पे घमंड करता है खुदा खुदा उसके जहन से ये घमंड निकाल दे। जो अपने हुसन पे घमंड करता है उसके जहन में से ये भी घमंड निकाल दे। आए जिंदा आसमानी बाप, किसी भी किस्म की ऊंची जिसमें गरूर है, आए कदूर गरूर नहीं रखना, बल्कि अपने छोटे प्यार करना है, दूसरों की मदद करनी है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, ताकि कदूस खुदा खुदा हमेशा हम सबको बरकत देता रहे। जिंदा आसमानी बाप, ब्रदर इमरान के लिए दुआ करता हूं जो बैरून मुल्क में है, कदूस खुदा खुदा टेलरिंग का उनके कारोबार को बहाल कर, उनकी फैमिली को उनकी वजह से कोई परेशानी ना हो, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे इनकी फैमिली को भी। और ब्रदर इठवाल के लिए, ब्रदर रफाकत अठवाल के लिए दुआ करता हूं, जिंदा कदूस खुदा उनके पूरे खानदान को ब्लेस कर। इसी तरह दुआ करता हूं, आज हमारे साथ एक और भाई हैं, रंजीत सॉरी इंडिया से, खुदा उनको बरकत दे, उनके पूरे खानदान को बरकत दे, उनके पूरी फैमिली के साथ हो। जिंदा आसमानी बाप, हर एक रूहजान जो कि तेरे कलाम के लिए बेताब है, उन सबकी जिंदगियों में तेरा काम शुरू हो जाए, तेरी बरकत है। जिंदा आसमानी बाप, फजल वाला हाथ बढ़ा और मुझे और मेरी मिसिस को भी बरकत दे, ताकि जिन लोगों के लिए हम दोनों दुआ करते हैं उन सबको तू सुनता है और कबूल करता है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप, बच्चा कैवन के लिए दुआ करता हूँ जो रोजाना मेरे साथ बैठ के बहुत से लोगों खुदा खुदा ये कलाम इसके दिल में, इसके घर में नजात का बायस बने, इसके दिल और दिमाग में बैठ जाए, आने वाले वक्त में तेरा सूरमा बने कदूस खुदा। आए कदूस खुदा खुदा तू हमेशा हमें ब्लेसिंग मुझ पर, कैवन पर और हर उस रूजान पर जो तेरे कलाम को सुनती है उस पर अमल करती है, हमेशा हमेशा उनके साथ रहे। प्राण राजा के लिए कदूस खुदा खुदा दुआ करता हूँ, उसको उम्र की दराजी दे, बरकत दे, फजल कर, उसकी तमाम बीमारी को तेरे प्यारे बेटे खुदा के नाम से दूर करते हैं कदूस खुदा खुदा, हमेशा हमेशा फजल वाला हाथ उस पर बनाए रख, उसको बरकत दे, ब्लेस कर। इस पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी दुआ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगी है तो सुनता और कबूल करता है। इसी तरह जवाब में दुआ करता हूँ ब्रदर रोमियो के लिए जो कि मिस्र में है, उनके बेटों के लिए, उसकी बेटे के लिए, उसकी बेटी के लिए,